अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अवर होम फूड्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंस्टेंट आलू चिप्स की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं, इसको मुझे बारीक कट करना है तो मैं इसकी मदद से कट कर लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है जिसमें हम आलू को कट करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और नमक के पानी में हम आलू को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे एक मलमल के कपड़े पर निकाल के अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी हम सुखा लेंगे ताकि चिप्स जो है वो अच्छे से क्रिस्पी बने। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। इसको हमें हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है जिससे कि हमारे चिप्स नहीं जलें। तो एक पहले डाल के देखते हैं, आप देख सकते हैं ये जल नहीं रहा है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे सारे चिप्स डाल देंगे। स्टार्टिंग में हमें हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, जब ये गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसको चला चला कर अच्छे से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। चिप्स जले नहीं चाहिए वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो आप देख सकते हैं हमारे चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। ये 15 मिनट में बन जाते हैं और ये चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, रमज़ान में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने इसके ऊपर नमक ऐड किया, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एकदम बनके तैयार है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।